इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब वक्त है सबसे बड़े इलेक्शन शो आपकी बार किसकी सरकार का, नजर उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन बड़ी खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। तो बिना देर किए आइए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आज की तीन बड़ी खबरें कौन सी है। और पहली बड़ी खबर तो उत्तर प्रदेश से ही है जो आज सुबह की सबसे बड़ी खबर है जिस पर लगातार आप इंडिया टीवी पर अपडेट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन, जाटलैंड में शक्ति प्रदर्शन। जी हाँ, जाटलैंड के नाम से मशहूर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। मौका तो वैसे कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का है, लेकिन मकसद उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाना है। डिटेल हम आपको देंगे, बस सबसे थोड़ी ही देर में आप बने रहिए हमारे साथ। आज की दूसरी बड़ी खबर भी जान लीजिए जो आज हम डिटेल में आपके सामने रखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश जहां प्रोफेशनल्स को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी आज से प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। जी हाँ, ये बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं, ये बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन है। इस दौरान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ काशी में कमान संभालेंगे, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में प्रबुद्धों से संवाद करेंगे। आइए आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही है जहां प्रोफेशनल वोट बैंक को लुभाने के लिए तमाम सियासी पार्टियां कवायद कर रही हैं, और इसी कड़ी में अब अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आज टीचर्स कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी करने जा रही है और भदोही में यह सम्मेलन होगा जिसमें शिक्षकों के सम्मान के बहाने अखिलेश यादव पूर्वांचल के प्रबुद्धों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो टीचर्स का वोट बैंक है, इसे आप कम मत समझिएगा, ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसके बारे में भी डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर सबसे पहले मुजफ्फरनगर से, जहां किसान महापंचायत शुरू हो चुकी है। किसान नेता स्टेज पर है और नीचे किसानों की भारी भीड़ नजर आ रही है। हम आपको यहां तस्वीरें दिखाते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत में पहुंच चुके हैं। ये इलाका क्योंकि टिकैत का खुद का गढ़ माना जाता है, ऐसे में मकसद भी साफ है, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन करना है। मैं आगे की खबर आपको बताऊं, सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। कहने को ये संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है। राकेश टिकैत मंच पर मौजूद हैं और जितने और किसान संगठनों के अध्यक्ष हैं वो भी इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है और राकेश टिकैत जो कहते हैं कि ये आंदोलन किसानों का है, लेकिन वो हर उन जगहों पर पहुंच जाते हैं। देखिए लोगों का हुजूम, बहुत भीड़ है। मास्क किसी के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसकी चिंता ही मत करिए, कोरोना तो जैसे मानो जा चुका है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, लोगों का जुटना। और दावा ये किसानों की ओर से किया जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख किसान यहां पर जुट रहे हैं। और मैं ये क्यों कह रही हूं कि ये केवल मुद्दा किसानों का नहीं है, ये मुद्दा इलेक्शन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो राकेश टिकैत का इलाका मुजफ्फरनगर गढ़ भी कहा जाता है, कुछ ही मीटर की दूरी पर यहां से उनका घर भी है। वो अपने घर नहीं गए क्योंकि उन्होंने कसम खाई है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक वो अपने घर नहीं लौटेंगे। एक और तस्वीर देखिए, खूब सारी महिलाएं इस महापंचायत में शामिल होने के लिए हर उम्र के वर्ग की यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किसानों की ये महापंचायत। किसान उस जाटलैंड पर मौजूद हैं जिस जाटलैंड के बारे में कहा जाता है जाटों की संख्या ज्यादा है, यानी किसानों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि खुद राकेश टिकैत का ये गढ़ है। ऐसे में किसानों तक उनकी पहुंच को और मजबूत बनाने की कवायद है जिससे कि इलेक्शन के दौरान इसका फायदा उठाया जा सके। किसान महापंचायत से पहले राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है, पूरे देश में आंदोलन की रणनीति मुजफ्फरनगर से ही बनेगी। किसान महापंचायत से पहले राकेश टिकैत ने यह बयान दिया कि देश बिक रहा है, ऐसे में उसे बचाने की रणनीति पर आज चर्चा होगी। पूरे देश में आंदोलन की रणनीति मुजफ्फरनगर में बनेगी। आप सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा। पंचायत का संयुक्त मोर्चे का जो भी फरमान होगा वो उस पर काम करेंगे। क्या पता कितने आओगे, जो वहाँ देखोगे जब ही पता चलेगा। भाई बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। आगे की रणनीति ये रहेगी कि देश बिखरा है, इसको कैसे हम बचाएंगे, ये रणनीति रहेगी। पूरे देश में आंदोलन चलेगा, ये रणनीति रहेगी। और मीटिंगें तय होंगी, पूरे देश में जाना पड़ेगा, ये मीटिंग रहेगी। आज मुजफ्फरनगर से शुरुआत है।
और इस वक्त हमारे सहयोगी पवन नारा खुद मुजफ्फरनगर में ही मौजूद है, तो हम सीधा उन्हीं से ताजा हाल जान लेते हैं, हम सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पवन, बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, मंच बहुत बड़ा है, एलईडी स्क्रीन बहुत बड़ी है, लेकिन उद्देश्य क्या है? तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना या फिर इलेक्शन में यहाँ के किसानों को जोड़ते हुए बीजेपी को नुकसान पहुंचाना? देखिए मीनाक्षी, इस बात को थोड़ा व्यापक तरीके से समझने की जरूरत है। किसानों का आरोप है कि बीजेपी सरकार नहीं सुन रही, इसलिए मोदी और योगी को हटाना होगा, लेकिन हटाने का रास्ता कह रहे हैं यूपी के चुनाव से होकर जानता है। मैं एक बार अपने कैमरामैन को कहूंगा कि जनता को दिखाएं, यहाँ बहुत सी जनता पहुंची इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन इसमें बहुत से किसान हरियाणा और पंजाब से पहुंचे हैं जिनके पास उत्तर प्रदेश में वोटिंग अधिकार नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी और योगी की मुखालफत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विकल्प क्या है? क्योंकि गैर राजनीतिक होने का दावा करना और एक सत्ता पार्टी को हटाना, दो बातें आप साथ में कर सकते हैं, लेकिन आपको विकल्प देना होगा। मान लीजिए ये सारी भीड़ वोट में ट्रांसफर होती है, लेकिन कहाँ ट्रांसफर होती है ये स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि राकेश टिकैत का गढ़ है, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि राकेश टिकैत चुनावी मैदान में इस भीड़ को अभी तक वोट में बदल पाने में कामयाब नहीं रहे हैं। दो बार उन्होंने कोशिश की है। तो भीड़ लाना, किसानों के मुद्दे उठाना अलग बात है, चुनावी समीकरण अलग बात है। वो बात अलग है कि 2013 में जब 2017 में जब यूपी में सरकार आई तो यही मुद्दा। बिल्कुल, आप दर्शकों को बहुत खूब याद दिलाया, दो बार चुनावी मैदान में उतरे राकेश टिकैत, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए। अब ऐसे में बीजेपी को हराने की उनकी रणनीति किसानों के आंदोलन के जरिए कितनी कारगर होती है, इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिएगा पवन हमारे साथ। ये जमावड़ा दरअसल किसान महापंचायत है या फिर शक्ति प्रदर्शन, ये एक अहम सवाल है। पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हम आपको करते हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों की ये महापंचायत हो रही है, जिसमें 5 लाख किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ये प्रदर्शन भी है। किसान समेत दूसरे और मुद्दों पर भी बातचीत होनी है। यूपी चुनाव सिर पर है, ऐसे में इस चुनाव को देखते हुए इस प्रदर्शन की और इस जो भीड़ जुटाई गई है किसानों की, उसकी अपनी एक अहमियत है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि केवल किसानों से जुड़े हुए मुद्दे इस महापंचायत में नहीं उठाए जा रहे हैं। और आपने राकेश टिकैत को भी सुना, उन्होंने कहा कि जिन जिन संपत्तियों को देश की सरकार बेच रही है, उन मुद्दों पर किसान महापंचायत में बात की जाएगी। थोड़ी सी और जानकारी हम आपको दे देते हैं, इस महापंचायत को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर का ये GIC मैदान है, जहाँ पर ये महापंचायत की जा रही है। आयोजक संयुक्त किसान मोर्चा है, वो मोर्चा जो दिल्ली में किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। दावा है कि इसमें 60 किसान संगठनों समेत देश भर के करीब 300 संगठन शामिल होंगे। तो आपने देख लिया कि ये महापंचायत क्या है, कौन कौन इसमें शामिल है, किस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी, किन मुद्दों पर बात की जाएगी, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन क्यों ये जाटलैंड इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों राकेश टिकैत यहाँ पर आए हैं, उसे अब आप समझिए इन आंकड़ों के मुताबिक, इस ग्राफिक्स के मुताबिक। उत्तर प्रदेश में करीब 17% जाट आबादी है, जिनका पेशा जो है वो खेती किसानी है। 120 सीटों पर इन किसानों का डायरेक्ट असर माना जाता है। ऐसे में इस वोट बैंक पर हर सियासी पार्टी अपनी नजर बनाती है, अब वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर जयंत चौधरी हो, जो खुद को किसानों का नेता कहते हैं। और जयंत चौधरी किस तरीके से इस किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। वो तो पुष्प वर्षा भी करवाना चाह रहे थे इन आंदोलनरत किसानों पर। अब किसानों पर योगी सरकार के फैसले क्या क्या हैं, ये भी आप समझिए। पराली जलाने के केस वापस होंगे, जुर्माना वापसी पर भी बीजेपी कह रही है कि फैसला जल्द होगा। किसानों की आमदनी बढ़ाना भी बीजेपी सरकार के टॉप एजेंडे में है। बिल बकाया तो अब देखिए, 20 अक्टूबर से चीनी मिले जो है वो वापस शुरू की जा रही है, और जो गन्ना किसान है उन्हें भी भुगतान कैसे किया जाएगा, इस पर भी चर्चा है। मसलन गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की जाएगी, पराली जलाने के केस वापस होंगे, जुर्माना वापसी पर भी फैसला जल्द होगा, और बिल बकाया तो भी कनेक्शन नहीं कटेगा। 20 अक्टूबर से वेस्टर्न यूपी में चीनी मिलें भी शुरू कर दी जाएंगी। तो ये तो बीजेपी की रणनीति है, सरकारी फैसले हैं, और शायद इसके जरिए
इस संयुक्त मोर्चा की भी काट ढूंढने की उत्तर प्रदेश में की जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि किसान संगठनों का क्या दावा है। उनका किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो ये कहते जरूर हैं, लेकिन किसान और जाट वोट बैंक को देखते हुए समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आरएलजी का मैंने जिक्र किया था आपसे थोड़ी देर पहले, कांग्रेस और एसबीएसपी सबने महापंचायत को अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी ने तो एक ट्वीट करते हुए भी अपना सपोर्ट पहले भी कई बार दिया है, इस बार फिर दे रही हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये किसानों की महापंचायत केवल किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है या फिर एक पॉलिटिकल इशू है। अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज की दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। आज से बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू हो रहा है और इस दौरान बीजेपी सूबे के तमाम प्रबुद्धों से संवाद करेगी, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बताएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में प्रबुद्धों से संवाद करेंगे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या के प्रोफेशनल से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। अब बीजेपी का क्या कहना है ये भी हम आपको बताएंगे। बीजेपी ये कह रही है कि वो जात पात की राजनीति नहीं करती, उनके प्रबुद्ध सम्मेलन का मकसद सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। मिलन एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर किया जाता है। केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यह सरकार लगातार चाहे प्रदेश के हित में हो चाहे देश के हित में हो ऐसे ऐसे काम करके दिया है जो प्रबुद्ध वर्ग के बीच में विषय को रखना ये सरकार के नाते और पार्टी के नाते हमारी जिम्मेदारी है। और इसी विषय को लेकर के आज सभी महानगरों में और ये कई दिनों तक चलेगा, हम लोग सभी विधानसभा स्तर पे मंडल स्तर पे इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम। तो प्रबुद्ध सम्मेलन तो बीएसपी भी कर रही है और तभी मायावती ये कह रही है कि बीजेपी हम लोगों से ही घबरा कर अब हमारी कॉपी कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। लेकिन प्रबुद्ध वर्ग कितने महत्वपूर्ण हैं आप अगली खबर से समझिएगा। कम बैक, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां प्रोफेशनल्स के बहाने हर सियासी पार्टी अपना वोट बैंक पुख्ता कर रही है। आज अखिलेश यादव भी भदोही में टीचर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि इसमें पूरे उत्तर प्रदेश से शिक्षकों को बुलाया गया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। दरअसल ये कॉन्फ्रेंस शिक्षकों के बहाने प्रबुद्धों को साधने की ही कवायद के तौर पर देखिए, नजर शिक्षकों के सम्मान के नाम पर वोट बैंक पर है। ऐसे में शिक्षक सम्मेलन में किसान पूर्वांचल के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद भी करेंगे। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब की बार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही, लेकिन नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।